सब्सक्राइब कीजिए स्पार्किंग लाइफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पार्किंग लाइफ एजुकेशन। हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज का सेकंड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट आता है लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारे भारत के संविधान में अलग अलग पार्ट्स हैं और कुछ शेड्यूल्स भी हैं। जैसे देखें तो हमारे संविधान में 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। यही इतने आर्टिकल्स और शेड्यूल्स और पार्ट्स हमारे संविधान को बहुत बड़ा बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमारे संविधान को अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके बनाया गया है। जैसे देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो हमने यूके से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने जो है वो यूएसए से लिए हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज राज्य के नीति निदेशक तत्व वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। एक और आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं वो हमने रशिया से ली हैं। तो अलग अलग जगहों से हमने हमारे सोर्सेज को उठाया है और संविधान को तैयार किया है। इन बाकी सोर्सेज के अलावा जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उससे भी हमने बाकी चीजें ली हैं। तीसरा पॉइंट आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भारत का संविधान कठोर भी है और कहीं कहीं मतलब कोमलता का भी प्रतीक है। देखा जाए तो कहीं इसमें आसानी से कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें देखा जैसे हम देखेंगे जो अमेंडमेंट करते हैं उसमें दो टाइप की मेजोरिटीज होती है, कहीं कहीं होती है स्पेशल मेजोरिटीज और कहीं कहीं सिंपल मेजोरिटीज। स्पेशल मेजोरिटीज वहां यूज होती है जहां पर संविधान में कुछ हमको ऐसे संशोधन करने हैं जहां पर राज्य को भी इंक्लूड किया जाए। और जो सिंपल मेजोरिटी का प्रोविजन इसलिए रखा है क्योंकि कुछ कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो आम मेजोरिटी से भी हो जाए, तो इसीलिए हमने इसको ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोला है। फोर्थ पॉइंट आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास, हमारे संविधान में सरकार को अलग अलग स्तरों पर बांटा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई, फिर और नीचे उसके सब पार्ट्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट हुई। तो अलग अलग जो है इसको अलग अलग लेवल्स में बांटा है। तो पूरे गवर्नमेंट गवर्नेंस के हिसाब से इसको अलग अलग लेवल्स हैं, पर जब भी कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं या फिर कुछ आपातकाल आता है तो उसमें सेंट्रल को ज्यादा महत्ता दी गई है, ज्यादा से ज्यादा इसको पावर दी गई है। इसलिए हमारा सिस्टम फेडरल सिस्टम तो है पर यूनिटरी जो संघीय व्यवस्था है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगला पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का संसदीय स्वरूप। जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर हमारा संसदीय स्वरूप हमने कहाँ से, ब्रिटेन से लिया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारा जो पॉइंट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो अलग अलग नहीं बैठे। जैसा पहला लेक्चर में भी हमने देखा था जो हमारी जुडिशरी है वो एकीकृत है, इसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं बांटा गया है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो पॉइंट्स हैं जो नागरिकों के अधिकार हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व और जो मौलिक कर्तव्य है ये सब हमें ये जो हमारे संविधान की विशेषताओं में ही आते हैं। अगला पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप, सॉरी गलती हो गई, एकल नागरिकता। हमारे पूरे संविधान में हमें सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। अगला आता है एडल्ट फ्रेंचाइजेस, मतलब वयस्क मताधिकार। हमारे देश में चुनाव करने के लिए जो वोट दे सकते हैं उनकी एज 18 साल तय की गई है, मतलब जब तक आप 18 साल नहीं हो आप वोट नहीं दे सकते, इसी को वयस्क मताधिकार या एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है सेकुलर स्टेट, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है। यही वो पॉइंट है जो हमारे भारत देश को बहुत महान बनाता है। यहाँ हमारे देश में सभी धर्म के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो यह भी हमारी एक संविधान की एक विशेषता है। अगला पॉइंट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब देश में कुछ भी आपातकाल की स्थिति हो, जैसे युद्ध हो, वित्त से रिलेटेड कोई भी जो मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी दे रखे हैं ताकि जो भी आपातकाल की स्थिति में जो भी प्रॉब्लम है उनको सुलझाया जा सके। तो हमने देखा संविधान की जो विशेषताएं थी
वो ये सब है। इनके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं संविधान की, और मेनली जो मेन विशेषताएं हैं वो यही है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स या मेंस के पर्सपेक्टिव से। देखो प्रीलिम्स से इसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे विभिन्न सोर्सेस से, कोई भी सोर्स से फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है हमने, डीपीएसपी कहाँ लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए, ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेंस में देखें तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा 15 मार्कर या फिर 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है। तो ये सब पॉइंट्स लिखकर हम अगर 6 मार्कर में इन सबको पॉइंट्स को लिखे हैं अलग अलग तो हम 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। 6 में से हम 4 to 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। और 15 मार्क्स में अगर आए तो ये सब पॉइंट्स लिख के इनको अगर थोड़ा थोड़ा समझाए हम तो भी हमारा इजीली 10 to 13 मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल तैयार करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।